हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन लर्निंग एजुकेशन। आज के इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू मेक काउंटडाउन टाइमर यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। दिस डिलीट डिलीट इंसर्ट में जाके हम शेप ले लेते, ओवल शेप इस प्रकार से बना लेते। जितनी साइज़ आपको लगती है आप उतनी साइज़ का बना सकते हैं। इसके बाद उसको फॉर्मेट में जाके शेप फिल कर देते हैं रेड कलर से, या तो आप ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कलर। ग्रेडियंट कलर फिल ऑप्शन में जाके आप ग्रेडियंट कलर भर सकते हैं, यानी एक साथ दो तीन कलर भी आप या ऐसे ऑप्शन से भर सकते। इस प्रकार से मैं कोई भी दो कलर तीन कलर ले लेता हूँ और इसे फिल कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोल डी करके हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। आपको फॉर्मेट ऑप्शन में राइट साइड में दिखाई दे रहेगा साइज़, तो इससे आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइप से वो रिंग टाइप में आ जाएगा। तो कंट्रोल डी करके जो आपने कॉपी किए थे तो वो शेप को आप शेप फिल में जाके उसको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे देते। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और इसके बाद जाएंगे हम एनिमेशन में दे देंगे व्हील ऑप्शन, व्हील एनिमेशन। इसके बाद एनिमेशन पेन ओपन करेंगे। एनिमेशन पेन ओपन करने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ कंट्रोल ए करके, और इनको ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा आपको राइट साइड में। टाइमिंग में जाना पड़ेगा। टाइमिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा रिपीट ऑप्शन। रिपीट में आप 5 ऑप्शन दे देंगे क्योंकि हम 5 सेकंड वाला काउंटडाउन टाइमर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 रोटेशन दिखाई देंगे। इसके बाद इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट ले लेंगे। वर्ड आर्ट में जितने साइज़ का आपको लिखना है लेना है, वर्ड आर्ट में लिखेंगे 5 क्योंकि हम 5 सेकंड से चालू करेंगे। जितने साइज़ का आपको लेना है उसके साइज़ का आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इतना साइज़ ले लिया। इसके बाद एनिमेशन में जाएंगे और इसे डिसअपीयर ऑप्शन दे देंगे। डिसअपीयर ऑप्शन देने के बाद राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रहे होंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस कर दीजिएगा। स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देने के बाद इसको डिले टाइम दे देंगे 2 सेकंड, जो एक ऊपर के लाइन में सीधा स्ट्रेट लाइन में उनके आना चाहिए। इसके बाद 5 को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे। इसके बाद इसमें नंबर लिख लेंगे 4। का भी आप एनिमेशन दे देंगे। वहाँ पर डिसअपीयर का एनिमेशन होके इसलिए आप उसको चेंज कर देंगे अपीयर से। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे डिसअपीयर होंगे 5 तो उसके जगह 4 अपीयर आ जाएगा। इसके बाद डिसअपीयर कर देंगे, डिसअपीयर होगा वो 4 सेकंड के बाद। तो 4 सेकंड के डिसअपीयर लगा देंगे, उसको भी स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे, फिर से 4 सेकंड करते थे। इसके बाद कंट्रोल डी सिलेक्ट 4 सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। उसको एडिट करेंगे नंबर 3 से, तो 3 में एडिट होने के बाद अपीयर ऑप्शन दे देंगे उसको 4 सेकंड का, और डिसअपीयर ऑप्शन दे देंगे 6 सेकंड का, यानी 2-2 सेकंड के बाद वो डिसअपीयर अपीयर होते जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल डी करके आप 3 को भी डुप्लीकेट बना लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे 2, तो 2 को अपीयर करेंगे 6 सेकंड में और डिसअपीयर करेंगे 8 सेकंड। उसी तरह कंट्रोल डी करके 2 को भी डुप्लीकेट कर लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे नंबर 1, तो 1 को भी आप अपीयर कर लेंगे और डिसअपीयर कर लेंगे लास्ट पॉइंट पे, यानी 10 सेकंड। इसके बाद इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट ले लेंगे, उसमें लिखेंगे हम टाइम आउट। तो टाइम आउट अब एनिमेशन में जाके टाइम आउट को, तो टाइम आउट को जितना बोल्ड करना है जितना साइज बढ़ाना है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। इसके बाद एनिमेशन में जाके उसको अपीयर्स में, एनिमेशन में जाके उसको अपीयर्स ऑप्शन दे देंगे। उसको भी स्टार्ट विथ प्रीवियस अब एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर से स्टार्ट विथ प्रीवियस। तो प्ले करने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ डिसअपीयर किया गया है, अब यदि आपको साउंड लगाना हो तो वहाँ पे आप जाके डिसअपीयर के ऑप्शन पे
टाइमिंग ऑप्शन, एपेक ऑप्शन में जाने के बाद साउंड ऑप्शन सिलेक्ट करके वहाँ पे कोई भी एक साउंड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को इफेक्ट ऑप्शन में जाके साउंड ऑप्शन में मैं क्लिक वाला साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। इफेक्ट ऑप्शन साउंड क्लिक, इफेक्ट ऑप्शन साउंड क्लिक, इसी प्रकार से लास्ट डिसअपीयर वाला है इफेक्ट ऑप्शन साउंड एंड क्लिक। यदि आप इसे प्ले करके देखोगे तो साउंड स्लाइड शो करके देखोगे तो इसमें पूरा साउंड आपको सुनाई देगा। टाइम आउट को भी साउंड लगा देते, कोई भी एक साउंड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से प्ले करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यदि आपको यही प्रेजेंटेशन ग्रीन स्क्रीन में बनाना हो तो डिज़ाइन में जाके इसको ग्रीन कलर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो डिज़ाइन में फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको सॉलिड कलर में ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से हम ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वाला भी ऑप्शन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरा तैयार हो गया है। तो इसको हम फाइल ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप पे डेस्टिनेशन दे देता हूँ सेव करने का। तो फाइल नेम दे देंगे काउंटडाउन टाइमर, और सेव एज टाइप में आपको विंडोज़ मीडिया वीडियो ये ऑप्शन देके सेव करना। मैंने ऑलरेडी सेव किया था इसलिए फिर से डबल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसको यस कर देते। इस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेव होने के बाद ये वीडियो फाइल बन जाएंगे। वीडियो फाइल आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।